तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद होगा आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं करण वर्मा और आप देख रहे हैं विश्वकर्मा 2। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। इतने दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरे और भी काम रहते हैं और मेरे जो वर्क हैं वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे रहते हैं। तो और सोशल मीडिया में मैं जो यूट्यूब पे मैं काम करता हूं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दादर से गोरखपुर के लिए, जो कि 2:05 पे दादर से गोरखपुर के लिए छूटते हैं। तीसरे दिन आपको ये 2:30 रात को गोरखपुर छोड़ देगी, भोर में सुबह के करीब। तो यहाँ से चलने का, लेकिन जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख रहे हैं इसमें हम ट्रैवल करेंगे। और ये दादर से अभी खुलने का समय है 2:05 पे, लेकिन अभी इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं लगता क्योंकि ये अभी देरी से आई है और 8 घंटा देरी से चल रही है। तो 8 घंटा यानी कि 9-10 बजे के 11 बजे के करीब ये ट्रेन पहुँची है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ट्रेन कितनी जल्दी छोड़ती होगी। तो हम लोग इस पर ट्रैवल करने वाले हैं, मेरे साथ मेरे पापा और भाई है। हमारा जो अभी सीट, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो सीट है वो लोअर में है, लेकिन वो कंफर्म नहीं था और आरएसी में है, तो उसके वजह से आधी आधी दो सीट हमें को मिली है। और मेरे लिए आधी सीट जो साइड में है उसमें मैं ट्रैवल करूँगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ऐसा ब्लॉग शायद ही कोई बनाता होगा। मैं अंदर की अच्छी और ख़राबी जो भी है मैं सब दिखाते रहूँगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को फिर से बोलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और बताना भूल गया कि इस ट्रेन का पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसका जो भी है, ये ट्रेन है 01027 जो कि दादर से आपको गोरखपुर लेके जाती है। उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आपको लोअर दिखा सकता हूँ, यहाँ पे 2 जन का जगह है, यहाँ पे 2 जन बैठेंगे और ऊपर भी एक खाली है, बट वो खाली रहेगा क्योंकि दूसरी किसी का जगह और हमारा 2 सीट है। तो हमारी ट्रेन अभी जस्ट खुल चुकी है और ये अभी मैं आपको बता दूँ, ये 5 मिनट लेट खुली है ट्रेन जस्ट। तो आप समझ सकते हो 5 मिनट लेट तो ये कितने मिनट हमको गोरखपुर स्टेशन पहुँचाएगी। जस्ट यहाँ से दादर स्टेशन से 2:10 पर ये हमारी ट्रेन शुरुआत हो चुकी है, खुल चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन कितने मिनट में आती है, जैसे जैसे जो होगा इस वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो हमको ओवरटेक किया था, ये है कोणार्क एक्सप्रेस। इसके बाद हमने अब इनको ओवरटेक करना शुरू कर दिया है। अब जो स्टेशन आएगा वो है कल्याण जंक्शन। मैं आपको इसके बाथरूम के बारे में बता दूं तो ये बाथरूम में से अभी बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो मैं अंदर जाके आपको नहीं दिखा सकता, जो कि पानी अगर मैं दिखाऊं आपको तो पानी आ रहा है 24 घंटा पानी ऐसा बोला गया, बट थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। और बाथरूम का अगर मैं आपको बताऊँ इंटीरियर पूरा, तो बाथरूम सही है बट स्मेल ज़्यादा आ रहा है अभी यहाँ का बाथरूम में। ट्रेन 10 मिनट लेट पहुँची है कल्याण स्टेशन पर क्योंकि ये ट्रेन अभी निकली 5 मिनट लेट थी और अब 10 मिनट लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। अभी जस्ट हम कल्याण स्टेशन पहुँचे, पता नहीं और कितना आगे लेट होने वाला है ट्रेन। और ट्रेन के बारे में आपको बता दूँ, इसमें साइड पेंट्री कोच है, कोई पेंट्री कोच पूरी तरीके से नहीं है। 17 डिब्बा का ये ट्रेन है। इसके बाद हमारी ट्रेन 10 मिनट अब लेट खुली है यहाँ से कल्याण से, तो ये लेट पे लेट करते जाइए, पता नहीं कितना देर लगेगा। और सामने जो ट्रेन देख रहे हो कोणार्क एक्सप्रेस, तो यहाँ से कट रही है, कट के या शायद से पुणे का लाइन पकड़ रही है। तो ये कोणार्क एक्सप्रेस है, ये पुणे की तरफ जाएगी और हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, जो कि एक अलग लाइन है उसका। पानी पानी
तो हमारी ट्रेन अब 10 मिनट की देरी से कसारा स्टेशन पहुंच चुकी है। 10 मिनट अभी भी लेट है ट्रेन, लेकिन 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड इसके बाद अब नासिक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको अगला स्टॉप में दिखाऊंगा। हाँ, एक और बात आपसे कहना था कि अंदर का अगर आप वड़ा पाव खाओगे तो कभी मिलता होगा तो मत खाना, क्योंकि एकदम खुले में बेचा जा रहा है, तो धूल मट्टी कुछ भी उसमें जम जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, आपका तबीयत भी ख़राब हो सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्टेशन के बाद कुछ घाट सेक्शन पड़ता है, मैं आपको कुछ उसके तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखिए कैसा लगता है। एक ट्रेन में कितना जन पकड़ेगा वहाँ पे? तो ये तीसरा हॉल्ट हमारा आ चुका है इगतपुरी, जो कि 20 मिनट लेट पहुँचे हम यहाँ पे। और ये ट्रेन में टिकट, बिना टिकट वाले ज़्यादा यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो टीटी ने भी पकड़ लिया है उनको, और अब जा रहे वो जो भी उनका आगे का रूल है उसको फॉलो करेंगे, तो फाइन भी वो भर रहे हैं। और जस्ट हम अभी इगतपुरी पहुँचे, 20 मिनट लेट चल रहे ट्रेन, अभी देखते हैं आगे और कितना ये ट्रेन और कितना लेट होता है। अभी फिलहाल हम कुछ खाने के लिए बाहर आए, देखते हैं क्या मिलता है। तीस का दो क्या इडली वड़ा? वड़ा ले चलेगा, एक प्लेट इडली हो, मतलब इडली वड़ा मिक्स नहीं, वड़ा ही दे दो आप। हाँ चलेगा, वो वाला ज़्यादा डालना और सांभर कम डालना, बस बस। उनका वड़ा अच्छा है, बट चटनी है ना वो इतना मज़ा नहीं आया, तो कभी भी आप ट्राई करोगे तो ध्यान देना थोड़ा। वैसे जस्ट अभी मैंने पानी लिया, ठंडा पानी, 30 रुपये का दो पड़ा है, और आप दूसरा लोगे ट्रेन खुल गया है, मैं आपको मिलता हूँ। अच्छा कर
चलते जाओ, ये ट्रेन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हैं। मैं आगे अगला स्टेशन देखता हूँ। तो 20 मिनट की देरी के बाद हम नासिक पहुँच चुके थे। अब नासिक अब हमारे यहाँ से निकल चुका है, तो 20 मिनट की देरी अभी चल रही है, कभी आधा घंटा कभी 20 मिनट तो ये देर होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये ट्रेन हमको गोरखपुर में बहुत लेट ही छोड़ने वाली है, आधा घंटा या 20 मिनट अराउंड या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हमारा ट्रेन है भुसावल, और अभी हमारी ट्रेन आधी घंटी लेट चल रही है क्योंकि भुसावल में हमको कुछ खाना है, तो हम कुछ खरीद के खाएंगे और आपको दिखाएंगे। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे भी वड़ा पाव मिल रहा है, कोई एकदम ठंडा है, कुछ खाने लायक नहीं है खाना, लेकिन फिर भी हम एक बार टेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे हम। तो अब ब्लॉग में आप बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडी भी लग रहा है यहाँ पे, बट आपको दिखाएंगे सब कुछ। गाइस अभी 10:05 हो रहा है और कुछ खास खाने के लिए भुसावल स्टेशन में मिला नहीं, तो मैं अब मॉर्निंग में लगता है कुछ अच्छा खाने मिलेगा, तो अब मैं डायरेक्ट आपको मॉर्निंग में दिखा पाऊंगा कुछ अच्छा खाने के लिए स्टेशन में मिलेगा तो, ललितपुर वगैरह ये सब मॉर्निंग में आएगा, तो ब्लॉग में आप बने रहिएगा। तो जैसे कि बता दूँ अभी समय हो रहा है 2:35 और मैं अभी तक जागा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं REC वाला बंदा हूँ, REC में मेरा कंफर्म नहीं हुआ था सीट, तो मैं REC में ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार। तो आई थिंक अभी सोने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं अभी उठा हूँ क्योंकि अभी स्टेशन हमने देखा हरदा स्टेशन है और अभी ट्रेन खुल चुकी है। समय अगर कोई उड़ जाता है तो अगर जगह मिलता है तो सो जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि के लिए जगह मिल पाएगा। और 3:44 की देरी से हमारी ट्रेन दादर से गोरखपुर के लिए निकली हुई और 3:40 की देरी से करीब करीब चल रही है, और अभी हम बीना जंक्शन में पहुंचे हैं। इसका पहुंचने का समय था सुबह के 6:50 का, लेकिन ये 3:40 की देरी से बीना जंक्शन अभी पहुंची है। फिलहाल आप देख सकते हो खाने के लिए अभी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है, क्या पता दोपहर के बाद मिलता हो, लेकिन अभी जस्ट अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। हम चेकिंग के लिए हम लोग स्टेशन पे आए हैं, अगर कुछ मिलता है तो आपको हम दिखाएंगे। हमारी ट्रेन अभी 4 से ऊपर की देरी से चल रही है और अभी भी ललितपुर आना बाकी है जो कि UP में पड़ता है, उसके बाद फिर से हमारा रिवर्स लेगा ये ट्रेन और MP में जाएगा टीकमगढ़ वगैरह, उसके बाद फिर से ये UP की तरफ घूमेगा। तो अभी 4 हमारा लेट चल रहा है। तो नवा हॉल्ट ललित जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं और ये आता है UP में, और इसके बाद अब यहाँ से ये अपना जो लोकेशन है वो चेंज करेगा, यहाँ से घूम जाएगा ट्रेन वापस MP के लिए, और MP में टीकमगढ़ होके ये पूरा कवर करके फिर UP की तरफ आएगा, वाया वाराणसी है। एंड देन ये अभी 3 से ऊपर की देरी से चल रही है, याद ध्यान रखिएगा ये ट्रेन आगे चल के और भी लेट होने वाली है। चलो हो गया,
तो आपको बता दूं ये ट्रेन का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब जब मैं खाने के लिए कुछ उतरा, कुछ लेने के लिए उतरा, सोचा कुछ खा लूँ, ये दो मिनट भी नहीं रुका और शुरुआत उसकी ट्रेन की फिर से हो गई और ये चालू हो गया ट्रेन, मतलब पीछे कोई गाड़ी खड़ा है आगे कोई पता नहीं, लेकिन कुछ खाने के लिए भी अगर मिल रहा है भाव पूछ रहे हैं वैसी ट्रेन चालू हो गया। ये ट्रेन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सही नहीं लग रहा ट्रेन। बिल में महाराज कहाँ से दूंगा यार, फिर कैसा 20 रुपया मांग रहा है? तो नहीं है, नहीं है, तो हम अभी आ चुके हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में। यहाँ पे भी ये ट्रेन 5 मिनट रुकेगी और फिर से एक बात बता दूँ कि यहाँ पे खाने लायक कुछ नहीं है, जो भी है मिल रहा है हम थोड़ा थोड़ा खा रहे, काम चला रहे, घर से भी चकली लेके आए तो वो भी खा रहे हैं अभी से। तो हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुका है खजुराहो जो कि पड़ता है एमपी में। यहाँ पे खासियत ये है इस ट्रेन की कि यहाँ से बाबा बागेश्वर धाम के लिए सीधी बस मिलती है। बाबा बागेश्वर आप यहाँ से जा सकते हो खजुराहो से, और हमारी ट्रेन अभी आधा घंटे के लिए खजुराहो में रुकेगी। प्लस यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिल रहा नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया तो कुछ खाने और पीने के लिए कुछ खास मिला नहीं, तो एमपी में ये एक और सूखा सूखा जा रहा है हमारे लिए। इसको हटाओ, आप लोगों ने देखा कैसे अभी हमारा इंजन चेंज हुआ रिवर्स होके, अब ये अब खजुराहो से अपना रिटर्न वापस जो लाइन है उनका उनकी तरफ जाएगा, फिर हम अगली स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। अब रेलवे का 15वां स्टेशन चित्रकूट, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से धीरे धीरे करके हम उत्तर प्रदेश के और स्टेशन पे पहुँचेंगे और मैं आपको और स्टेशन कवर करके दिखाऊंगा। मेरे पीछे जैसे देख रहे हो आप, ये स्लीपर क्लास है, स्लीपर क्लास का जनरल कोच बना के रख दिया है सब लोगों ने, तो स्लीपर जो जनरल वाले वो भी स्लीपर में आके चढ़ रहे हैं और जगह एकदम कम हो चुका है। तो 9 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन अभी प्रयागराज पहुंचने वाली है, लेकिन उसके पहले ही हमारी ट्रेन को खड़ा कर दिया गया है जो कि 10 मिनट से खड़ी है प्रयागराज। आपको मैं दिखाता हूं यहां पे, तो 10 मिनट से हमारी ट्रेन प्रयागराज स्टेशन के पहले खड़ी है और अभी प्रयागराज स्टेशन आने वाला है। 9 बज चुके हैं, 2 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन चल रही है और मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है IRCTC से, देखते हैं कब तक आता है वो। Thank you.
भी गाइस आप देख सकते हो सामने से ट्रेन आ रही है, इंजन है की देरी से हमारी ट्रेन प्रयागराज स्टेशन आखिर में पहुंच ही गई। 2 घंटे की देरी अभी से चल रही है हमारी ट्रेन, और ये अगर मैं कहूँ तो कि 2 से 3 बजे के करीब हम बनारस पहुंच जाएंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 2.5 घंटे से 2 घंटे की देरी से अभी चल रही है हमारी ट्रेन। और जस्ट मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि मैंने खाना ऑर्डर किया IRCTC से, तो अभी वो चिकन बिरयानी लेके आते होंगे। जैसे लेके आते मैं आपको दिखाता हूँ चिकन बिरयानी। नाम से ना? हाँ, करण करण। ये दो ऑनलाइन है, ठीक है ठीक है। फिलहाल हम लोग ने ले लिया है 2 चिकन बिरयानी जो ऑर्डर किया था। अब आपको मैं खोल के इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं चिकन बिरयानी का, देखते क्या क्या दिया है इसके अंदर। पहले तो ये आपका चम्मच हो गया, जो भी है स्मूथ हो गया, और एक ये है बस, देखते थैली के अंदर क्या है। आपको रायता के जगह पे शायद ये थोड़ा चटनी दिया होगा। आपको ये कांदा दिया है, जो आपका ये चिकन बिरयानी है, शायद इसमें आपको 2 बड़े चिकन के आपको पीसेस मिल जाएंगे। कैसा है? ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ, आपको बताता हूँ। एकदम एवरेज है, और एवरेज से नीचे है, क्योंकि ये जो राइस है ना एकदम से बॉइल हुआ है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। और प्लस इसमें जो कड़ी है वो एकदम लो क्वालिटी का है, तो अगर पेट भरना चाहोगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 10 में से इसको 4 नंबर दूंगा। तो डायरेक्ट कंप्लीट करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको। ये जो चिकन की आप क्वालिटी देख रहे हो ना, एकदम बॉयल हुआ है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, पकड़ने में भी अच्छा नहीं है, और खाने में एकदम एवरेज है। स्टेशन कवर करने के बाद ये ट्रेन अब गोरखपुर कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले बता दूं ये ट्रेन 3.5 से 4 घंटे की देरी से चल रही है। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि गोरखपुर कम से कम नहीं तो नहीं 3 घंटा तो लेट होगी, और 5 घंटे भी लेट हो सकती है। तो ये गोरखपुर पहुँचने का टाइम इसका था रात के, मॉर्निंग के 2:15, लेकिन अब ये 6 बजे के करीब पहुँचने वाली है। तो आपको इस ट्रेन के बारे में मैंने टाइमिंग बता दिया कि ट्रेन लेट होती है और लेट होएगी और लेट होती रहेगी, क्योंकि इसके कोई अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल पाया है ट्रेन के बारे में। और ये ट्रेन का कोड है 01027, जो कि दादर से गोरखपुर के लिए चलती है, और तीसरे दिन ये गोरखपुर छोड़ती है। तो और भाई सब ठंड भी बहुत है गोरखपुर में, रात पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी वाराणसी ये सब जगह पर, तो चंदर ओढ़ के वो सोया, और अब आप देख रहे हो जैसे कि मैंने लगाया हुआ स्वेटर भी पहनाया हुआ। तो अब गोरखपुर का इंतज़ार करते हैं। आ चुका है, वीडियो का एंड करने का वक्त आ चुका है।
अगर आपको कीमत जानना है इसका स्लीपर कोच का, तो 800 रुपये का स्लीपर कोच का टिकट है और एसी का 1200 से 1300 के करीब है। अगर मैं पेंट्री कोच की बात करूँ तो इसमें पेंट्री कोच बिल्कुल नहीं है, साइड पेंट्री भी था लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो पाया इस ट्रेन में। बाथरूम की बात करूँ तो बाथरूम एकदम क्लीन था, लेकिन ये 40 घंटा लिया इस ट्रेन ने गोरखपुर पहुँचाने के लिए, जो कि 36 घंटे का समय था, तो आप समझ सकते हो। तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, खड़ा बाय बाय। बताएगा कि इधर आया उधर आया, इधर आना।